अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। मैं एडवोकेट किशन सन्मुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र से। साथियों, जैसा मैंने प्री बजट पोल में बताया था कि इस बजट में कुछ ज़्यादा प्रोविजंस नहीं किए जाएंगे, ठीक वैसा ही हुआ जैसा मैंने बोला था। इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया गया, उसे 11.11% बढ़ाया गया। लखपति दीदियों की 3 करोड़ लखपति दीदियाँ का प्रोविज़न किया गया है अभी, और 10,000 रुपये जिनका 10 साल पहले का टैक्स बकाया है उनको उस टैक्स की माफ़ी दी जाएगी। 40,000 रेलवे डिब्बों को प्रोसेस किया जाएगा और अनेक सी ऐसी योजनाएं बताई गई है जो गरीबों के हितार्थ है। इनकम टैक्स स्लैब में जैसे कोई चेंज नहीं किया गया है, वैसा मैंने पहले ही बोला था। ये सब यानी कुल मिला के सब चीज़ें ऐसी हुई जो हमने प्री बजट में पोल किए थे वैसा ही पूरा आया। अब एक बात देखने योग्य चीज़ें हैं कि विजन 2047 उसके ऊपर यह बजट अग्रसर है, उसमें बहुत चीज़ें उसके ऊपर जा रही है। लेकिन अब अगर अपन जुलाई 2024 का बजट आके चल के देखेंगे तो वह पूरा का पूरा विजन 2047 के ऊपर ही जाएगा। उसमें हर क्षेत्र के विकास की चीज़ें की जाएगी। यानी मेरा मानना है कि जो ये बजट है वह विकसित भारत विजन 2047 की एक पहिया है उसका। यानी हम बजट के आधार पर ही विकसित बजट विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया।